अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू नाचियस किचन एट। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ वो हमारे बचपन की सबसे पसंदीदा डिश होती थी, जब इतने फैंसी खाने नहीं होते थे। जिस दिन हमारे घर पुलाव बना करता था उस दिन ईद का समा होता था। चलें इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। और ये मेरी फेवरेट डिश है और बहुत दिल से बनाती हूँ इसे। तो चलें, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए गोश्त, जो कि हम आप 750 ग्राम्स टू 1 किलो ले लें। और हमें चाहिए खड़ा मसाला, जिसमें हमें 4 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 दालचीनी 1/4 इंच, बड़ी इलायची 2, काली मिर्चें 1 टीस्पून, ज़ीरा चाहिए 2 टू 2.5 टीस्पून। हमें ये सूखा धनिया चाहिए, लाल मिर्चें चाहिए, नमक चाहिए और ज़ीरा, ये सब पुलाव के लिए चाहिए होगा। और हमें चाहिए 2 प्याज और 4-5 हमें हरी मिर्चें चाहिए, अदरक चाहिए और लहसुन के 3-4 जवे चाहिए और दही 1/2 कप और चावल चाहिए 4 कप। तो अब हम पैन में ले लेते हैं पानी यखनी के लिए। यखनी रेडी करते हैं। ये देखें, मैंने पैन में पानी डाल के उसमें गोश्त डाल दिया है यखनी के लिए। और अब हम इसमें अपना खड़ा मसाला डाल देते हैं। ओके, मैंने इसमें जो है, अब आप डाल देंगे अदरक और लहसुन के जवे। और अब इस खड़े मसाले के साथ हमारी यखनी तैयार होगी और तमाम गोश्त और खड़े मसालों का बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा हमारी यखनी में। और अब हम इसका वेट करते हैं बॉईल होने तक के लिए। अब ये देखिए, थोड़ा बॉईल होना स्टार्ट हो गई। और आप इस वक्त, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ये जो वाइट आपको यहाँ पे मादा नज़र आ रहा है, आप इसको बहुत केयरफुली, ताकि आपके मसाले जो हैं वो ना निकलें, इसको आप निकाल दें। क्योंकि ये जो है फैट होती है, अगर आपको पसंद है तो बेशक जो है इसको रहने दें, लेकिन अगर आपको लाइट पुलाव चाहिए तो आप इसको निकाल लें। लेकिन बहुत केयरफुली आपने ये निकालना है। और देखें, ये बस मुझसे जितना निकला है मैंने निकाल लिया है। और बाकी अब इसको बॉईल होने के लिए रख दें ढककर, और जो है ना 45 मिनट्स टू 1 आवर तक ये बॉईल होता रहेगा और हमारा गोश्त गल जाएगा। चले, मीनवाइल हम अपना जो है प्याज काट लेते हैं स्लाइसेस में। और अभी हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है, 45 मिनट्स हो गए हैं। और ये देखें, बहुत ही हमने स्टेन कर लिया है इसको, यखनी को अलग कर लिया है, हमने गोश्त को अलग कर लिया है और जितने जो खड़े मसाले थे वो अलग से निकाल लिए हैं हमने। और चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं 1/2 आवर के लिए। चलें दोस्तों, ये जो है मैंने तकरीबन 3/4 कप में प्याज ब्राउन कर लिए हैं। तो कुछ प्याज मैंने साइड पे रख लिए हैं ताकि आप बाद में स्प्रिंकल कर सकें आपके पुलाव जब रेडी हो जाएगा। तो चलें, अब हम इसको जो है इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालते हैं। बस अब इसको सिमर करने के लिए रख देना है। और जैसे ही ये सिमर होने लगे तो हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और ज़ीरा डाल देंगे। और जैसे ज़ीरा कर कर आने लगेगा तो हम इसमें लाल मिर्चें डाल देंगे। मैं लाल मिर्चें कम यूज़ करती हूँ, आप 1 टीस्पून टू 2 टीस्पून डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा जी, अब इसमें सूखा धनिया डलेगा
और साथ ही हम सारे खड़े मसाले डाल देंगे। तो उसकी जो है लिस्ट में मैंने नाम दे दिया है। अब एक मिनट तक इसकी भुनाई करें और उसके बाद हम इसमें गोश्त डाल देते हैं। और हमने इस गोश्त को बहुत अच्छे से भूनना है। जितनी गोश्त की अच्छी भुनाई होगी उतना उसका फ्लेवर आएगा हमारे पुलाव में। मीडियम से ज़्यादा आंच पे आप इसे भूनें और फिर जो है उसके बाद दही डाल दें और दही के साथ भी अच्छे से भूनें ताकि दोनों बहुत अच्छे से फ्लेवर सब मिक्स हो जाएं। देखिए हमारी दही और बहुत अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। अब इसको भूनें और तकरीबन 3-4 मिनट भूनते रहें इसे। और साथ ही नमक डाल दें आप 3-4 मिनट बाद। ये देखें हमारा गोश्त बहुत अच्छे से भुन रहा है और ये ब्राउन हो गया है। तो आप इसमें अब जो है हम इस पॉइंट पे इसमें यखनी डाल देते हैं। तो यखनी हमेशा मैं ऐसे ही लेती हूँ कि अगर आपके 4 कप चावल हैं तो उसमें 7 कप यखनी के डालेंगे। ये देखें यखनी हमने डाल दी है। अब हम इसका बॉईल होने का वेट करेंगे और जैसे ही जब बॉईल आ जाएगा बहुत अच्छे से इसमें हम अपने भीगे हुए चावल डाल देंगे। ये देखें अब ये बॉईल होने लग गया है। तो इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको सौंफ का टेस्ट पसंद है तो डालिए वरना रहने दें। तो बस ये थोड़ा सा बॉईल होगा तो अब हम इसमें मिक्स करके सौंफ चावल डाल देते हैं। ये देखें भीगे हुए चावल जो हमने रखे हुए थे उसको तकरीबन 1/2 आवर तक आपने बॉईल जो है भिगो के रखना है। और फिर ये देखें आपने इसके अंदर डाल दिया और अब वेट करते हैं इसके बॉईल होने का दोबारा से और आंच आप तेज़ कर दें। अब ये देखें जब बॉईल बहुत अच्छे से हो जाएंगे इसमें आ जाएगा आपको जब बॉईल तो आपने इसकी आंच जो है मीडियम से हाई कर देनी है और आपके चावल इसमें पकते रहेंगे। देखिए 5-6 मिनट बाद आपके जो चावल हैं वो ऐसे हो जाएंगे और बिल्कुल इस टाइम पे आपने इसको दम पे रखना है। अब अपना टेस्ट भी चेक कर लें, नमक वगैरह आपको ठीक लग रहा है तो बस अब हमने इसको दम पे रख देना है फॉर 20 मिनट्स। साथ ही हम हरी चटनी बना लेते हैं। हमारी हरी चटनी रेडी हो गई है और चावल भी रेडी हो गए हैं। 20 मिनट्स हो चुके हैं और ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखें कितने खूबसूरत हमारे चावल जो हैं बने हैं, खिले खिले। एक एक इसका चावल का दाना अलग है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई रेसिपीज़ मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग।